sir, congratulations. Thank you very much. For whatever. बहुत ही शानदार ट्रेलर है. थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फिल्म को लेकर? बहुत कुछ कहना चाहेंगे. आई थिंक पहले तो ये कहूँगा कि 18 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाके देखिएगा. बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है. ह्यूमर एक अलग तरीके का ह्यूमर है. सीन्स इसमें कुछ ऐसे लिखे गए हैं जो मैंने कभी पहले डेफिनेटली किया नहीं था, इनफैक्ट पढ़े भी नहीं थे और मैंने किसी और फिल्म में देखा भी नहीं था. तो एक नए किस्म का ह्यूमर है, बड़ा अदी ह्यूमर है, मज़ेदार ह्यूमर है. आई थिंक ऑल इन ऑल देर इज़ सो मच इन इट. सौरभ है, मैं हूँ और सारे लड़कियाँ, सारे अच्छे एक्टर्स हैं. वेल शॉट, वेल मेड, गाने अच्छे हैं. सो आई थिंक ऑल एंड ऑल इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू गो टू द थिएटर एंड एंजॉय एंड हैव अ फैबुलस टाइम. सो अगर कास्ट की बात करें, बड़ी मल्टीपल बड़ी कास्ट है, क्या कुछ माहौल था सेट का, क्या माहौल था? माहौल तो अच्छा ही होगा. जब जिस फिल्म में 13 लड़कियाँ हैं तो माहौल तो अच्छा ही होगा. सारे खुश रहते थे सेट पे, सब कैंपस स्माइल होती थी. तो मेरे ज़्यादातर सीन इस फिल्म में सौरभ के साथ है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सौरभ इतना अच्छा एक्टर है और किसी अच्छे एक्टर के साथ जब आपके सीन ज़्यादा होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है. तो वो स्पेस ज़बरदस्त है. जहाँ तक सारी बीवियों का सवाल है, हर वाइफ का एक अलग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर. उसका एक नेचर है, वो किस तरह बात करती है. हर लड़की का अपना अपना पर्सनैलिटी है. एंड मुझे, मेरे लिए मज़ेदार ये है कि बिकॉज मुझे इन सब के साथ इंटरेक्ट करना है और बिकॉज मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं इनसे शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहें और मैं इनको खुश रखना चाहता हूँ, तो मैं इनकी ये जो ये चाहती हैं कि उनका पति कैसा हो, मेरा कैरेक्टर है जो मैं वैसा बन जाता हूँ. तो मुझे मज़ा आता है कि मुझे ये 13 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं, जो फिर इनके अलावा जब मैं सौरभ के साथ हूँ वो मेरा एक अलग कैरेक्टर है क्योंकि वो मैं रियल में हूँ. तो इस तरह की मेरे को वैरायटी मिलती है एक फिल्म में करने के लिए. सो अगर बात करीजिए आप प्रकाश सर के जॉनर की, जिस तरह की फिल्मों के लिए माने जाते हैं, वो कॉमेडी करते हैं, बट जिस तरह की फिल्मों के लिए माने जाते हैं, क्या जब आपके पास ये फिल्म आई तो क्या कुछ रिएक्शन था आपका, क्या थॉट? मेरा पहला थॉट तो यही था कि प्रकाश जी कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए बुला रहे हैं मुझे. तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, मैं यार ये पॉलिटिकल फिल्म पता नहीं, मेरी पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा कुछ नॉलेज मेरा है नहीं, तो करने में पता नहीं कैसे करूँगा. तो मुझे कहा गया कि नहीं सर, पर कॉमेडी है. तो मैंने कहा यार ये पॉलिटिकल कॉमेडी पता नहीं लोगों को पसंद आएगी. तो मुझे कहा कि नहीं सर, पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ कॉमेडी फिल्म. तो बड़ा इंट्रीग हो गया कि प्रकाश झा अगर कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं तो कुछ तो बात होगी इस फिल्म में, कुछ तो होगा जो ही जंप टू दिस. तो बस फिर आगे कहानी सुनी और बहुत मज़ा आया. अगर 13 बीवियों को छोड़ दिया जाए, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं फ्रॉड से? यहाँ से ज़ीरो, कोई इत्तेफाक नहीं रखता मैं, बिल्कुल नहीं. मेरे ख्याल से इस तरह के जो बंदे हैं वो बहुत कम हैं दुनिया में. फ्रॉड बहुत सारे हैं लेकिन इस किस्म के फ्रॉड बहुत कम हैं, बिकॉज़ ये बड़ा ही मुश्किल काम है. पहली बात तो एक औरत को बेवकूफ़ बनाना, वो वैसे ही फीमेल स्पीशीज ज़रा शार्प होती है, तो उसको बेवकूफ़ बनाना एक बहुत ही मुश्किल बात है. और ऊपर से ये इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनको वो बातों पे यकीन करने पे मजबूर कर देता है जो बिल्कुल गलत है. तो आई थिंक तो मैं इतना टैलेंटेड हूँ नहीं. अच्छा, अगर बात कीजिए आपके कैरियर की, तो आप इतनी कॉमेडी फिल्में आप कर रहे हैं कि आपका आपकी इमेज एक ब्रांडिंग एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर होगी, क्या आप इसे अपना कॉम्प्लीमेंट मानते हैं या? मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे ख्याल से एक एक्टर को मुझे किसी ने कहा था, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से एक्टर्स को एक्चुअली काम मिलता है. कई एक्टर्स ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं. तो आई थिंक आई शुड नॉट क्रिप अबाउट एनीथिंग. और मुझे खुद को मज़ा आता है कॉमेडी करने में, मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है, तो कोई भी जॉनर की हो. और तो जहाँ तक मेरे पर्सनल सेटिस्फैक्शन का सवाल है, उसमें अगर मेरा दिल करता है कि यार कहीं मैं एक सीरियस फिल्म कर लूँ, तो उसके लिए मैंने एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, वो सीरियस है वहाँ पे. फिल्मों के लिए मैं कॉमेडी कर रहा हूँ,
और जहाँ तक इमेज का सवाल है, मैं ये सब मेरे लिए ये बातें बहुत कोई मायने नहीं रखती है। एक्चुअली अगर रिलीज की बात की जाए तो फ्रॉड और चीट उसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्लैश का कुछ नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक किसी को भी इसके बारे में थोड़ी सी भी तकलीफ होनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि चीट इंडिया भी चले, लोगों को पसंद आए, और उसकी जो डायरेक्टर है शौमिक वो मेरा दोस्त है अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि उसकी फिल्म भी लोगों को अच्छी लगे, हमारी फिल्म भी लोगों को अच्छी लगे। ज़्यादातर तकलीफ तब होती है जब आपकी फिल्म का बजट होता है 100-150 करोड़, तब आपको रिकवर करना है, तब आप चाहते हैं कि और कोई फिल्म नहीं आए साथ में। हमारी फिल्म का उतना बजट है नहीं, तो वो टेंशन है नहीं, और बिसाइड्स बजट उतना है और देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आज मुझे रद्दी भर भी प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई और फिल्म साथ में आए। सो अर्शद जी, क्योंकि पोस्टर में या फिल्म में हमने देखा आपकी शादी हो रही है, पोस्टर में भी हम देख रहे हैं पैसों से घिरे हुए हैं आप, एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या ढेरों सारी शादियाँ घर में, फिल्म की बात करूँगा नहीं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं, तुम साले उटपटांग सवाल ही पूछते हो मेरे। फिल्मों में इसका इसको पैसों की ज़रूरत है, फिल्मों में इस कैरेक्टर ने एक धंधा बनाया, इस कैरेक्टर को बहुत कम उम्र में एहसास होता है कि ज़िंदगी में इससे अच्छा धंधा नहीं है कि आप एक 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 लड़की को खुश करो और उसकी मांग में सिंदूर भर दो, बस उसके बाद वो फिर आपकी गुलाम हो जाएगी, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, और ये लेसन जो है ये बहुत ही कम उम्र में इसको पता चलता है, और ये बस वही करता है, ये रियलाइज़ करता है कि शादी कर लूँ और शादी के बाद वो लड़की जो है एकदम जो हमारी जो इंडियन औरत है वो जान निछावर कर देगी पति के ऊपर, और ये उसका फ़ायदा उठाता है और वहाँ से फिर अपनी कमाई इसकी शुरू होती है। ऐसे अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, अगर आपको कोई अगर बुला दे अर्शद जी की जगह फ्रॉड लवर, तो क्या कुछ रिएक्शन होता है आपका? अभी तक तो नहीं है क्योंकि पिक्चर रिलीज नहीं हुई है। मेरे ख्याल से ये वो होगा कि जब पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी और इंशाल्लाह अगर पिक्चर हिट हो जाएगी तो फिर लोग मुझे फ्रॉड बुलाना चालू करेंगे, तो मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसी होता है हर फिल्म के बाद लोग वो नाम से बुलाने लगते हैं, तो अब शायद फ्रॉड बुलाने लगेंगे। सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि इस फिल्म में क्योंकि एक पाकिस्तानी एक्टर भी है, तो बात हो रही है कि उनको क्यों चूज़ किया गया? यार पहली बात तो मैं बताऊँ, हकीकत तो ये है कि मुझे अभी भी पता चला कि वो पाकिस्तानी है, मुझे नहीं मानता, जहाँ तक मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ हमको तो लगा कि वो एक कोएटी रेसिडेंस है, वहाँ की है, तो मुझे तो पता भी नहीं था पाकिस्तानी, तो ये तो अभी हमको पता चल रहा है कि वो यहाँ के। अभी फिल्म के पहले हम थोड़ी किसी को पूछेंगे भैया पासपोर्ट दो अपना, तो यू रियली डोंट, आई हैड नो आइडिया, जहाँ तक हमको पता था मुझे लगा कि वो कुवैत की रेसिडेंस है, और हो गई फिल्म, अब एहसास हुआ है, बट आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, वो आज भी आई डोंट थिंक शी इज़ अ पाकिस्तानी रेजिडेंट, शी इज़ फ्रॉम कुवैत, आई थिंक ड्यूल सिटीजन है पता नहीं कुछ ऐसे ही चक्कर है, कोशिश कर रही है आने की, आई थिंक उसका चल रहा है वीज़ा का प्रोसेस, एंड इंशाल्लाह अगर हो जाए तो अच्छा है, आई वुड लाइक हर टू बी हियर फॉर प्रमोशन। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इंडिया में बैन किया, क्या वो ठीक था, मतलब अगर देखा जाए आपकी तरफ से आपका क्या व्यू है? यार मुझे है ना इसके मल्टीपल चीज़ें हैं, यू नो कोई भी बाहर से जो लोग आते हैं ना, एंड यू टेक ओवर द जॉब्स एंड वर्क ऑफ अदर पीपल, तो आई मेरे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव होल लॉट ऑफ डांसर्स जो आते हैं, एंड फिर हमारे लोकल डांसर्स को काम नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा होता है तकलीफ। खैर एनी वे इट्स नॉट माई बिजनेस। वही जितना मेरे ख्याल से तो आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है, जहाँ तक मुझे पता है कि स्क्रिप्ट का काम तकरीबन हो गया है एंड एंड ऑफ द ईयर शूट करने का प्लान है, अब वो बदल जाए तो अलग बात है, बट अब तक तो वही है। पॉलिटिक्स में कितना है, आपने बताया कि आपको जीरो नॉलेज नहीं है, जीरो इंटरेस्ट, जीरो नॉलेज, जीरो, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो ढेर सारी पॉलिटिक्स फिल्में बनाते हैं, तो उनसे बात करो, मेरे से क्यों कर रहे हो? लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है, फिर तुम लगे हो चालू, तुम तो बंद ही नहीं होते, कोई कनेक्शन नहीं है पॉलिटिक्स से। लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं फैंस
मैं बस यही कहूँगा कि 18 जैन को फिल्म रिलीज़ हो रही है फ्रॉड से, यहाँ बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड आई थिंक अब तक तो आप लोग मेरे को अच्छी तरह से जान चुके होंगे, जो फिल्म मुझे पसंद नहीं वो इंटरव्यू देख के पता चल जाता है कि इसको पसंद नहीं है ये फिल्म। तो ये फिल्म वाकई में अच्छी है, बहुत स्क्रिप्टिंग और कहानी और एक्टर्स और एक नए तरीके की कॉमेडी, एक नए तरीके का सीन जो आप प्रोमो में भी आपने देखा होगा, वो उसके रोमांस करने का तरीका क्या है, आई थिंक मुझे लगता है आपने कहीं भी किसी भी बंदे को या किसी भी फिल्म में किसी को इस तरह रोमांस करते हुए नहीं देखा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग है फिल्म। सौरभ पर मैंने कुछ अजीब अजीब हरकतें की हैं जो आपने डेफिनेटली और किसी फिल्म में नहीं देखी होगी, सो प्लीज़ डू कम एंड सी इट, इट्स विल बी ग्रेट फन, आई हैव थरली इन्जॉयड डूइंग इट एंड यू विल थरली इन्जॉय वॉचिंग इट। फ्रॉड सैया 18 जैन, प्लीज़ कम एंड सी इट। जय हो, जय हो। Thank you.